बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 जो कि पेट्रोलिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिलेबस अनाउंसड में है, तो उसका हम आज लेक्चर नंबर 26 कवर करने जा रहे हैं। और आप हमारे पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.howardacademy.com पे। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लेक्चर नंबर 26 और सेक्शन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे और 28 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इतना ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, दो तीन इसकी अहम बातें हैं जो आपने पॉइंट नोट करने हैं ताकि एमसीक्यूज़ जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कंफ्यूज ना हो कि अगर फ़र्ज़ किया, और इसका टाइटल है अल्ट्रेशन इन रोड व्हीकल, कि आपने जो गाड़ी ख़रीदी थी जिसको रजिस्टर किया क्या था, लेट सपोज आपने एक बस ख़रीदी थी और उसको रजिस्टर एज ए बस किया हुआ है, अब उसमें आप कुछ चेंजेस करते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। फ़र्ज़ किया वो 10 साल अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है तो आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसका मॉडल चेंज करना चाहते हैं, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा और रजिस्ट्रिंग ऑफिस को, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं आज हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे। इफ़ द रोड व्हीकल इज़ सो अल्टर्ड दैट द पार्टिकुलर्स कंटेन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नो लॉन्गर एक्यूरेट, कि आपने बस को रजिस्टर करवाया था कि हमने इतनी सीटर बस ली और इसका इतना वेट कैरी कर सकती है, लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप उसका क्या करते हैं, उसकी पूरी वाली बॉडी ऊपर वाली उतार देते हैं और आप उसको कैरेज के लिए यूज़ करते हैं, लोड के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, आप किसी वर्कशॉप में रख के उसको मॉडिफाई करते हैं। तो पहले जो रजिस्टर्ड गाड़ी थी उसका इंजन नंबर फलां फलां वो बस के नाम से था, अब उसको आप ट्रेलर की फॉर्म में लेके आ गए तो अब आपको बताना पड़ेगा। द ओनर ऑफ द व्हीकल शैल विद इन 14 डेज ऑफ द मेकिंग ऑफ एनी सच अल्ट्रेशन, कि जो ये चेंज की गई है उसके 14 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, रिपोर्ट द अल्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर्ड की गई थी उस अथॉरिटी को इंटीमेट करेगा विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन ही रिसाइड्स, जहाँ पे वो रहता है, एंड शैल फॉरवर्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल टू द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, और जो पहला उसका रजिस्ट्रेशन का जो एक सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो वहाँ पे जमा करवाएगा, उनको देगा विद द प्रिस्क्राइब फी इन ऑर्डर टू दैट पर्टिकुलर्स ऑफ द अल्ट्रेशन में बी एंटर देर इन, और साथ में उसको फ़ी जितनी भी उसकी बनती है जो एज़ पर उनकी गाइडलाइंस अथॉरिटी जो है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी वो बताएगी, तो फ़ी भी सबमिट करनी पड़ेगी ताकि उसकी जो चेंजेस हैं वो वहाँ पे अपडेट की जा सकें उसके रिकॉर्ड के मुताबिक। कुछ कंडीशन भी हैं, प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रिपोर्ट एनी चेंज इन द अनलेडन वेट, कि अगर कोई लोड लेके जाने वाली गाड़ी नहीं है, अनलेडन वेट है ऑफ द रोड व्हीकल कंसिक्वेंट ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ द फिटिंग्स और एक्सेसरीज, इफ़ सच चेंज डज नॉट एक्सीड 2% ऑफ द वेट एंटर्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उस गाड़ी का फ़र्ज़ किया पहले 4000 kg वेट इंटर किया गया था, अब 4000 का 2% ले लें तो जितना बनता है 2% का 20 यहाँ से कर गए 80 kg, अगर फ़र्ज़ किया 4000 उसका ओरिजिनल वेट था, अब जो अल्ट्रेशन वगैरह की है और उसका वज़न जो है 80 से कम 80 के दरमियान में है, यानी कि अब उसका वज़न 4080 हो जाए या 4080 से कम रहे, तो उसकी चेंज के लिए कोई बताना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर उसका वज़न जो है 4100 हो जाता है तो वो इंटीमेट करना पड़ेगा कि गाड़ी में क्या चेंजेस की गई हैं। तो फिर क्या है, ए रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अदर दैन दी ओरिजिनल रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, कि गाड़ी फ़र्ज़ किया लाहौर में बाय करके एक बंदे ने रजिस्टर करवाई थी तो लाहौर में ही उसने रिपोर्ट किया कि ये रजिस्ट्रिंग है, तो ठीक है उसने अपडेट करवा दिया अपना रिकॉर्ड जब उसने गाड़ी में चेंज की तो ओके हो गया। मेकिंग एनी सच एंट्री शैल कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ द एंट्री टू द ओरिजिनल रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, अब वो गाड़ी रजिस्टर हुई थी लाहौर में, अब मूव कर गए हैं पेशावर में, तो पेशावर में अगर दोबारा वो बंदा अप्लाई करता है इस गाड़ी को चेंज किया गया है तो ये ऑफिस जो है इस पहले वाले ऑफिस लाहौर वाले ऑफिस को बताएगा कि ये गाड़ी जो आपके पास रजिस्टर्ड थी इसकी कुछ चेंजेस हुई हैं, आप उसको रिकॉर्ड को अपडेट कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हमने बताए हैं याद रहेंगे, इन पॉइंट्स को 2-3 दफ़ा पढ़ें, याद रखें क्योंकि पेपर में आपका जब एमसीक्यूज़ टाइप आएगा तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगे, इसलिए जो 1-2 दफ़ा रिपीट कर लेंगे तो आपको ये याद रहेगा। कोई आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।